तो अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। जो देखिए पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं के साथ वो जा रहे हैं और उनको JPNIC तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन घर के बाहर ही वो JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया है, पार्टी के तमाम सीनियर नेता हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, उनको समझाने गए थे, उनसे बात करने गए थे। सर क्या समझाया आप लोगों ने, यही माल्यार्पण हो जाएगा, यही करेंगे क्या? देखिए सीनियर ऑफिसर्स थे जो उनसे अंदर बात करने गए थे, और बड़ी संख्या में ये देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। तो पुलिस ने पूरा इंतजाम किया है उन्हें JPNIC जाने से रोकने के लिए। तो अखिलेश यादव यहीं अपने आवास के बाहर उन्होंने एक गाड़ी पर JP की प्रतिमा लगवाई है, और उनका कहना है कि पुलिस अगर उन्हें JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए JPNIC नहीं जाने देगी तो वो यहीं पर माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि उनका मकसद JP के उनके विचारों को सम्मानित करना है, और पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए इतने हैवी इंतजाम किए हैं। तो जाहिर बात है कि वो अपने आवास के बाहर ही JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, और JP की प्रतिमा शायद आप देख भी पा रहे होंगे एक गाड़ी पर रखी हुई है, और हजारों की तादाद में संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, और अखिलेश यादव अब यहाँ पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं। तो जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी, लग रहा है कि स्थिति अभी कंट्रोल में है, और अखिलेश यादव JPNIC जाने की जिद पर फिलहाल अभी नहीं अड़े हुए हैं, और उन्होंने फैसला किया है कि वो यहीं पर JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनके प्रति अपनी जो श्रद्धांजलि जो है वो पेश करेंगे। तो तमाम कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव इस वक्त अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं।